हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए सुपर क्रीमी एंड चीजी व्हाइट सॉस पास्ता की सिंपल स्टेप बाय स्टेप परफेक्ट रेसिपी। तो अब आप अपने घर पर बना सकते हैं सबका फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता बहुत ही आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने पास्ता को बॉईल करने के लिए ये पानी गर्म होने रखा है। इसमें ऐड करेंगे एक छोटा चम्मच नमक, एक छोटा चम्मच तेल। जब पानी अच्छी तरह बॉईल होने लगे तब इसमें हम ऐड करेंगे पास्ता। ये मैंने लिया है 250 ग्राम पेने पास्ता। आप चाहें तो इसके अलावा और कोई भी पास्ता यूज कर सकते हैं। अब इसे हल्का सा मिला लेंगे और बॉईल होने देंगे 7 से 8 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये 80% कुक ना हो जाए। पास्ता को बॉईल होते हुए 7 से 8 मिनट हो चुका है, तो एक बार चेक कर लेते हैं ये 80% कुक हुआ है कि नहीं। तो इसे एक चाकू से कट करेंगे और ये देखिए ये 80% कुक हो चुका है। तो बस अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक स्ट्रेनर के हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे। तो अब पास्ता के ऊपर नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी डालेंगे ताकि पास्ता ठंडा हो जाए और इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। अब पास्ता को साइड में रख देंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में ऐड करेंगे 2 चम्मच घी। आप घी के जगह नॉर्मल कुकिंग ऑयल या फिर बटर यूज कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच के करीब बारीक कटा हुआ लहसुन। अब इसे हल्का सा फ्राई कर लेंगे 30-40 सेकंड्स के लिए। लहसुन फ्राई हो चुका है तो अब इसमें ऐड करेंगे हम प्याज। ये मैंने एक मीडियम साइज का छोटा प्याज लेकर उसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे हम छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ गाजर। ये मैंने एक मीडियम साइज का गाजर कट किया था। इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ शिमला मिर्च। ये मैंने एक छोटा शिमला मिर्च लेके कट किया था। अब इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, ब्लैक पेपर पाउडर 1 छोटा चम्मच, रेड चिली पाउडर 1 छोटा चम्मच, मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच। मिक्स हर्ब्स घर पर कैसे बनाते हैं इसका रेसिपी मैंने आपके साथ पहले ही शेयर किया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। सभी सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड कॉर्न। ये मैंने 1/2 कप बॉइल्ड कॉर्न लिया है। तो अब इसे भी अच्छी तरह मिक्स करके सभी सब्जियों के साथ पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। सारी सब्जियां अच्छी तरह से पक चुकी है तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अभी के लिए इसे साइड में रख देंगे। तो अब बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता का व्हाइट सॉस। सेम कढ़ाई में मैंने ऐड कर लिया है 4 बड़े चम्मच के करीब बटर। अब बटर को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। तो ये देखिए बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच मैदा। मैदा और बटर को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मैदा का कच्चापन निकल जाए। पूरे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह पकाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 लीटर दूध। दूध ऐड करने के बाद अब इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये थिक और क्रीमी ना हो जाए, और ध्यान रखें इसमें कोई लम्स ना हो। तो ये देखिए इसे चलाते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कितना थिक और क्रीमी हो गया है और इसमें कोई लम्स भी नहीं है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर। आप रेड चिली पाउडर के जगह रेड चिली फ्लेक्स यूज कर सकते हैं, मेरे पास अभी नहीं था इसलिए मैंने रेड चिली पाउडर यूज किया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच मिक्स हर्ब्स। नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने सब्जियों में भी ऐड किया था। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पकाई हुई सब्जियां। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। सब्जियों को अच्छी तरह मिलाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड पास्ता। अब हम पास्ता को भी इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे जब तक कि सारे पास्ता अच्छी तरह सॉस से कोट ना हो जाए। पास्ता अच्छी तरह से व्हाइट सॉस से कोट हो चुका है तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीज स्लाइस। मैं इसमें 2 चीज स्लाइस ऐड कर रही हूँ और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चीज स्लाइस की जगह कोई और चीज भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा व्हाइट सॉस पास्ता एकदम तैयार है, एकदम चीजी एंड क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता तैयार है। इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सर्व करने से पहले इस पे स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा मिक्स अप सीजनिंग एंड रेड चिली पाउडर। तो आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।